चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में सोयाबीन के दामों में वृद्धि देखी जा रही है। वाशिम जिले में अब 7,700 रुपए प्रति क्विंटल पर दर पहुंचा है, जिससे जिले के किसानों को अधिक भाव बढ़ने की उम्मीद है। विगत कुछ दिनों से सोयाबीन के दरों में वृद्धि हो रही है और इस दौरान पिछले सप्ताह के आखिरी दिनों में सोयाबीन के दरों में अचानक गिरावट आ गई थी, जिससे सोयाबीन विक्रेताओं ने सोयाबीन बिक्री के लिए रोक लगाई थी। लेकिन अब रूस यूक्रेन के युद्ध का असर होता नजर आने से सोयाबीन के दरों में वृद्धि हो गई है। अगले दिनों में और अधिक वृद्धि होने का अनुमान व्यापारियों द्वारा लगाया जा रहा है, इसलिए किसानों ने सोयाबीन बिक्री के लिए जल्दबाजी नहीं करते हुए वृद्धि की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया है। किसानों के लिए नगद फसल करके पहचान रहने वाले सोयाबीन की बुआई जिले में सर्वाधिक होती है। इसमें गत 15 दिनों में सोयाबीन के दरों में तेजी आ रही है। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में अभी सोयाबीन को 7,700 रुपए प्रति क्विंटल दर मिल रहा है। गत सप्ताह में वाशिम बाजार में यह दर मिला है। दरों में वृद्धि होने से बाजार समिति में सोयाबीन की आवक भी बढ़ने लगी है। आवक बढ़ते ही बाजार में सोयाबीन में फिर कुछ कमी आ गई थी। शुक्रवार को वाशिम कारंजा बाजार समिति में सोयाबीन का भाव 7,150 रुपए मिला था तथा मंगरूल पीर में 7,260 रुपए दर रहा है। दरों में गिरावट होने से किसानों में निराशा भी हुई। इस दौरान रूस यूक्रेन युद्ध के परिणाम विश्व भर में नजर आने से बाजार में भी इसके परिणाम होने की संभावना से सोयाबीन के दरों में वृद्धि होने का अनुमान कुछ व्यापारियों द्वारा लगाया जा रहा है। युद्ध की पृष्ठभूमि पर रूस से खाद्य तेल की आवक रुक रुक कर सोयाबीन तेल व पर्याय से सोयाबीन और सरसों के दरों में वृद्धि होने की संभावना बताई जा रही है। आने वाले मार्च अप्रैल महीने में सोयाबीन की दर बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। पिछले साल यहां पर सोयाबीन के भाव 11,000 रुपए प्रति क्विंटल तक मिले थे। इस वर्ष भी इसी प्रकार से दर मिलने की अपेक्षा से अनेक सोयाबीन उत्पादकों ने सोयाबीन घर में रखा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।